तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एलिमेंट सीरीज से मॉडल टू, जहां पर हमें मिसिंग ट्रिपलेट पता करना होता है. देखते हैं एग्जाम्पल क्या है. व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट. यानी ऊपर दिए गए अरेंजमेंट के अनुसार नीचे दिए गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा. अब ऊपर दी गई सीरीज हमें बताया कि एलिमेंट सीरीज है, नीचे क्या दिया गया, D5% एक सेट है, फिर J9 1 8 दूसरा सेट है, $2 M तीसरा सेट है, और फिर है क्वेश्चन मार्क. और हमें पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा. अब सबसे पहले तो हम ये समझ ले कि इन एलिमेंट्स को अगर आप देखें, यानी अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को आप देखें डी फाइव और परसेंटेज, क्वेश्चन ये अराइज होगा कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, डी और फाइव और परसेंटेज कैसे कनेक्ट किए गए. मैं ये बता दूं कि इन एलिमेंट्स के बीच में एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप है इन एलिमेंट्स की पोजीशंस में ऊपर दी गई सीरीज के अनुसार, राइट. इसी प्रकार से J9 8 अगर आप देखें तो शायद कंफ्यूज हो जाएं कि J और 9 और 8 हमने क्यों लिया है, राइट. J और 9 कैसे कनेक्टेड है, या इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, 9 और 8 के बीच में रिलेशनशिप क्या है. लेकिन मैं बता दूं कि रिलेशनशिप एलिमेंट्स पर नहीं है, राइट. रिलेशनशिप एलिमेंट के बीच में नहीं है, लेकिन इन एलिमेंट्स की पोजिशंस के अनुसार है, राइट. जैसे अगर आप देखें डी फाइव परसेंटेज, राइट, सीरीज में यहां पर हमारे पास है डी, फिर है फाइव और फिर है परसेंटेज. तो अगर आप इनकी पोजीशंस पर ध्यान दें, डी के दो एलिमेंट्स बाद आता है फाइव और फाइव के दो एलिमेंट बाद आता है परसेंटेज, या फिर डी से सेकेंड लेफ्ट राइट पर है फाइव और फाइव से सेकेंड राइट पर है परसेंटेज. तो हम कह सकते हैं कि पोजिशन इस प्रकार है, डी प्लस टू प्लस टू, डी प्लस टू अगर हम लेंगे तो आ जाएगा फाइव, 5 प्लस 2 लेंगे तो परसेंटेज, 5 प्लस 2 यानी 7 नहीं, 5 प्लस 2 पोजीशंस, राइट. सो 5 प्लस 1 प्लस 2 परसेंटेज. यानी यहां पर D5 और परसेंटेज के बीच में रिलेशनशिप क्या है, प्लस 2 प्लस 2, राइट. इसी प्रकार से J9 8 अगर आप देखें, J प्लस 2 है 9, 9 प्लस 2 8, यानी प्लस 2 पोजीशंस प्लस 2 पोजीशंस, राइट. प्लस 2 यानी राइट की तरफ, अगर माइनस कहें तो लेफ्ट की तरफ. सो J प्लस 2 9 एंड 9 प्लस 2 8, राइट. सो यानी कुछ प्रॉपर एक पैटर्न यहां पर फॉलो किया गया है एलिमेंट्स जो यहां पर सेलेक्ट किए गए उनमें, राइट. उसी प्रकार से $2 M, सो 2 प्लस 2 प्लस 2, राइट, प्लस 2 एंड प्लस 2. यानी जो क्वेश्चन मार्क यहां पर है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी तीन एलिमेंट्स आएंगे उनके बीच में भी यही रिलेशनशिप होना चाहिए, कौन सा, प्लस 2 प्लस 2. यानी फर्स्ट एलिमेंट से प्लस 2 पोजीशन जाएंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा, और दूसरे एलिमेंट से प्लस 2 पोजीशन जाएंगे तो तीसरा एलिमेंट आएगा. तो बहुत क्लियरली ये पैटर्न हमने समझ दिया है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है. अगर हमें स्टार्टिंग एलिमेंट पता चल जाए तो बाकी के दोनों एलिमेंट्स पता करना बहुत इजी है, प्लस 2 प्लस 2 हम अप्लाई कर देंगे. लेकिन फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, उसे पता करने के लिए हमें ध्यान देना है इन दो सेट्स के बीच में गैप कितना है उस पर. इसी प्रकार से 8 और 2 के बीच में गैप कितना है उस पर, राइट. और ऊपर दिए गए अरेंजमेंट के अनुसार, जैसे अगर आप देखें परसेंटेज और जे, परसेंटेज और जे यहां पर दोनों के बीच में हम देख रहे हैं दो एलिमेंट्स हैं, राइट. 8 और 2 इन दोनों के बीच में भी दो एलिमेंट्स हैं, हैश और ए, राइट. तो क्लियरली M और जो दूसरा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, इन दोनों के बीच में भी दो एलिमेंट्स होने चाहिए. तो M के बाद हम दो एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, 6 और W को छोड़ देते हैं, यानी स्टार्ट हम करेंगे एट द रेट से. सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर फर्स्ट एलिमेंट होगा एट द रेट, और एट द रेट के बाद हमें फॉलो करना है प्लस 2 प्लस 2 वाला पैटर्न, यानी एट द रेट प्लस 2 4 प्लस 2 3. So, 4 और t. तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा एट द रेट 4t. सो जैसे आपने देखा बहुत ही सिंपल सा मॉडल है, हमें दिए गए सीरीज के अनुसार मिसिंग ट्रिपलेट पता करना है. सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम पैटर्न देख लें कि इन एलिमेंट्स को हमने कैसे सिलेक्ट किया है, राइट. मैं फिर से याद दिला दूं कि एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इन एलिमेंट्स की पोजिशंस पर बेस्ड इस सीरीज को फॉर्म किया गया है, राइट. सो उन पोजिशंस के अनुसार हम मिसिंग ट्रिपलेट पता कर सकते हैं.